है और हमें dy अपॉन dx कैलकुलेट करना है. सो नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है. तो ये देखिए क्या हो जाएगा, इसे हम लिखेंगे d by dx ऑफ x क्यूब प्लस d by dx ऑफ हो जाएगा x स्क्वायर y प्लस d by dx ऑफ x y स्क्वायर प्लस d by dx ऑफ y क्यूब इज इक्वल टू d by dx ऑफ 81, ठीक. ये हमारा हो गया. तो देखिए x क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस, अब देखिए x स्क्वायर वाई ये क्या है, फर्स्ट इंटू सेकेंड है. यहां पर भी हमारा क्या है, फर्स्ट इंटू सेकेंड ही हो रहा है, ठीक. तो देखिए पहले इसको सॉल्व करेंगे फिर इसे सॉल्व करेंगे. तो देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, x स्क्वायर को हम साइलेंट रखेंगे तो y का डेरिवेटिव होगा, तो y का डेरिवेटिव होगा dy अपॉन dx प्लस y इंटू dy dx हम किसका करेंगे, x स्क्वायर का करेंगे प्लस इस केस में क्या करेंगे, x को साइलेंट रखेंगे और dy dx हम किसका करेंगे, y स्क्वायर का करेंगे प्लस और y स्क्वायर को साइलेंट रखेंगे और dy dx हम किसका करेंगे, x का करेंगे और ये y क्यूब का हो जाएगा 3y स्क्वायर dy अपॉन dx इज इक्वल टू, और ये हमारा कॉन्स्टेंट टर्म है 81, तो ये हमारा हो जाएगा 0, ठीक है. तो ये हमारा हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dy अपॉन dx प्लस ये हमारा हो जाएगा 2x, तो आ जाएगा 2xy प्लस और ये हमारा हो जाएगा 2y हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2xy dy अपॉन dx प्लस और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 3y स्क्वायर dy अपॉन dx, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ठीक है. तो जितने भी dy अपॉन dx वाले टर्म है उन्हें हम एक साथ रख लेंगे और जो dy अपॉन dx से फ्री है उनको हम दूसरी साइड भेज देंगे. तो देखिए dy अपॉन dx वाले टर्म्स जब हम साथ में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर ये हमारा कॉमन हो जाएगा और ये हमारा dy अपॉन dx हो जाएगा, ठीक. अब जीरो के उस साइड जाएंगे तो ये टर्म हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2xy माइनस y स्क्वायर, ठीक है. अब dy अपॉन dx और माइनस साइन हम ले लेंगे कॉमन, तो ये हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर, बस ये हमारा आंसर है.